नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भारतीय सेवा के कर्मचारी, अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से BNN न्यूज के द्वारा समाज में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तेजी से समाज में एक नई समाज जागृति फैला रही है। अपराधों का खुलासा करके अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए दिनों दिन BNN न्यूज अपराधियों व भ्रष्टाचारियों का खात्मा कर रही है। बढ़ रहे अपराधों का खुलासा कर प्रशासन को सचेत कर रही है। इस क्रम में बरवाड़ी थाना पुलिस ने भोजपुरी गायक ललन यादव के भाई ओम प्रकाश यादव की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 10 सितंबर को भोजपुरी गायक के भाई की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। बरवाड़ी थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिनू लोहरा ने बताया कि छिपादोहर थाना क्षेत्र के केंद्र ग्राम निवासी ओम प्रकाश यादव की बीते 10 सितंबर को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। घटना के बाद मृतक के पिता राजेश्वर यादव के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद जिले के पुलिस कप्तान अंजनी अंजन के निर्देश पर प्रशिक्षु IPS हरविंदर सिंह के नेतृत्व में हत्याकांड का खुलासा करने को लेकर एक टीम गठित की गई। टीम में शामिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ सर्किल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर चौधरी और थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह के द्वारा कांड के उद्भेदन को लेकर लगातार छापेमारी विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई। इसी क्रम में पुलिस कप्तान को मिली गुप्त सूचना के बाद हत्याकांड में शामिल विपिन राम, महेंद्र भुइया और पिंटू राम उक्कामाड़ बरवाड़ी को पुलिस ने 19 सितंबर को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक लोहे का देसी कट्टा, घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।